सजदा करूं तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। सजदा करूं तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय सदा तेरी हो तो सना, होटो से अपनी मैं स्तुति करूँ सदा। राजा का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनालिए सुन पे तू चढ़ा। गाऊंगा मैं सदा तेरी हो तो सना, होटो से अपनी मैं स्तुति करूँ सदा। राजा का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनालिए सुन पे तू चढ़ा। यीशु नाम की हो जयकार, 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 यीशु नाम की हो जयकार।
सबसे महान, तू सबसे महान, तू सबसे महान। कौन तुझ जैसा परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा, 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 ओह तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा। Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। That we may be glad and rejoice in it. कि हम उसमें आनंदित हो और उसमें उत्सव मनाएं। Sometimes we do not understand to give us this day what it caused God to bless you. कभी-कभी हम ये समझ नहीं पाते कि हमको ये दिन देने के लिए परमेश्वर को किस प्रकार की कीमत चुकानी पड़ी। Jesus had to pay that price that on His expense we can enjoy this day। यीशु मसीह को कीमत चुकानी पड़ी कि उनके कीमत की वजह से आज हम ये दिन देख सकें। And what a privilege to come। और कितना बड़ा सौभाग्य कि हम आए। King and priest long for this day। कि बाइबल कहते हैं कि जो राजा है, जो याजक है, वो बड़े ही इंतजार में थे इस दिन को देखने के लिए।
to see this day. कि इस दिन को वो देख पाए. But what a grace that God has chosen us to show this day. लेकिन क्या वो अनुग्रह कि परमेश्वर ने हम सबको चुना कि आज का ये दिन हम देख पाए. And we can rejoice and enjoy in the presence of God. और हम उत्सव मनाएं और आनंद मनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में. This feast are the desire and the heart of God. ये पर्व परमेश्वर की इच्छा और उसके दिल की एक तमन्ना है. That we all come together. कि हम सब मिलकर एक साथ आएं. To celebrate this seven feasts. कि ये हम सात पर्वों को हम मनाएं. We come together. हम साथ में आते हैं. Every week. हर सप्ताह. And we ask God. और हम परमेश्वर से मांगते हैं. Separate us from the things of this world. कि जगत की बातों से प्रभु हमको अलग कर देना. We give up those things. हम उन चीजों को छोड़ देते हैं. We say to God. हम परमेश्वर को कहते हैं. We die to those things. कि हम उन चीजों के प्रति हम मर जाते हैं. Every day we die with Christ and every day we rise with Christ. हर एक दिन हम मसीह में मरते हैं और मसीह में जी उठते हैं. Then we enjoy the life of God. और फिर हम परमेश्वर के अंदर का जो जीवन है उसमें हम आनंद करते हैं. Then we enjoy the fellowship of the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा की सहभागिता है उसके अंदर हम उसमें आनंद करते हैं. Then we listen to God's word and prepare ourselves for the coming of the Lord. और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के आगमन की हम तैयारी में लग जाते हैं. We repent. और हम पश्चाताप करते हैं. Time of communion we repent for the things that we did wrong. प्रभु भोजन के समय में जो बातें जो खामियां जो गलती हमने की उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं. We don't only repent but we die to those things. हम केवल पश्चाताप नहीं करते लेकिन उन बातों के लिए हम मरते भी हैं. And then we rise to have the fellowship with church people. और फिर एक बात जी उठते हैं हम परमेश्वर के लोग और जो कलीसिया उसके साथ संगति में बनने के लिए. And the Bible says rejoice. और बाइबल कहते हैं कि उत्सव मनाओ. So God has blessed us with all these seven blessing. तो परमेश्वर ने देख सकते हैं हम कि हमको ये सात आशीषों से आशीषित किया है. And let me tell you, it's God's grace that we are sitting together and rejoicing. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केवल ये परमेश्वर का अनुग्रह जिसकी वजह से हम साथ बैठे और उत्सव बना रहे हैं. Many wanted to come here, but they are not here. बहुतों ने चाहा कि वो यहाँ पर आए लेकिन वो आ नहीं पाए. But many didn't want it, but God has brought them here. बहुतों ने नहीं चाहा कि वो आए यहाँ पर लेकिन परमेश्वर उनको ले आया. Nothing happened unless God allows. कुछ भी होता नहीं जब तक परमेश्वर होने नहीं देता. Even Bible says the sparrow. बाइबल कहती है कि जो हवा में उड़ने वाले छोटे परिंदे हैं, that God cares. जो चिड़िया है उनके लिए भी परमेश्वर चिंता करता है. Even the hair of our head will not fall unless God allows. जब तक हमारे परमेश्वर चाहते नहीं तब तक हमारे सर पर जो बाल है वो भी गिर नहीं सकते. So let's trust God for everything. तो हर बातों के लिए परमेश्वर पर हम भरोसा रखें. And take one word, all things work for good for those who love the Lord. एक वचन लेकर चले कि हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. Am I talking to some people who love the Lord? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर से प्यार करते हैं? Am I talking to some people who love the Lord? क्या मैं किसी से बोल रहा हूँ जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Turn to somebody and say, see, this is the man and woman who loves the Lord. किसी को मुड़कर बोलो कि ये देखो ये है व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है. Hallelujah. Hallelujah. And we thank God for giving us this opportunity. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हम सबको ये मौका दिया. Bible says we love him because first he loved us. बाइबल कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते क्योंकि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया. How much we experience his love, that much we fall in love. जितना ज्यादा हम उसके प्रेम का अनुभव करेंगे उतना ज्यादा उसके प्रेम में हम रहेंगे. We are different. हम अलग है. That God loves us. कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. There are some people after experiencing his love. कुछ लोग उसके प्रेम को अनुभव करने के बाद with all the blessings, सारे आशीषों के बाद they still don't fall, they go away. वो फिर भी उसके प्रेम में बढ़ते नहीं लेकिन वहां से चले जाते हैं. But there are people, लेकिन ऐसे लोग भी हैं who love the Lord, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं because he loves them more, क्योंकि वो उनसे ज्यादा प्रेम because करता they experience है him more, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अनुभव किया है the परमेश्वर more we experience, the more we love. जितना ज्यादा अनुभव करेंगे उतना ज्यादा हम प्रेम करेंगे. There is a song that we sing, एक गीत है जो हम गाते हैं. जितना मैं तुझे चाहूं उतना करीब आऊं और जितना मैं तुझे जानूं उतना आशीष पाऊं. जितना मैं तुझे चाहूं उतना तुझसे दूर न जाऊं तेरे करीब आऊं. तेरे करीब आऊं मीन्स तेरे वचन में, तेरे आत्मा में, तेरे सहभागिता में, तेरे चर्च में, ये उसका करीब आना है. यस. और जितना मैं तुझे जानूं, जितना हम जानते हैं वचन में, सत्संग में, पवित्र आत्मा में, उतना हम आशीष पाते हैं. हालेलुया. Am I talking to somebody who loves the Lord? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर से प्यार करता है? Hallelujah. Hallelujah. Book of John. यूहन्ना की किताब जो John is trying to present Jesus as God. यूहन्ना यीशु मसीह को पेश करने की कोशिश कर रहा है एक परमेश्वर बोलकर. When you see John was the one who was closest to Jesus. जब हम देख सकते कि यूहन्ना वही व्यक्ति था जो यीशु मसीह के काफी निकट था. He was the one who put his head upon Jesus' chest and he was sitting.
वही था जो यीशु मसीह के सीने पर अपना दिल रखकर वहां अपना सर रखकर वो बैठता और वो वहां पर पास रहता। वो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता। But in spite of that, he did not lose divine in Jesus. इसके पश्चात उसने कभी भी यीशु मसीह के अंदर की जो मौजूद दैविकता है उसको कभी उसने गवाया नहीं। Judas with Jesus, यहूदा जो यीशु मसीह के साथ having fellowship, उसके साथ वो संगति में रहता, he began to see in the flesh and he lost divine. और वो देहिकता में देखने लगा और उसने जो दैविकता थी उसको गवा दिया। But John being so closest, लेकिन यूहन्ना इतना सबसे करीबी होने के पश्चात स्टिल ही इज डिवाइन। इसके पश्चात वो दैवी रूप में देख पा रहा है। Divine in Christ. वो देख सकता है दैवी रूप यीशु मसीह में। His beginning of the chapter only he says that in the beginning was the word, word was with God and word was God. और हम देख सकते हैं कि उसकी किताब के अंदर शुरुआत में ही वो कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And word became flesh and dwell among man. और वचन देह रूप में आया और वो मनुष्य के साथ रहने लगा। So he knew the one he is laying his head on. और वो इसलिए जानता था कि जिसके ऊपर वो अपना सर रख My, रहा है, the way he is living, leaning his head on, और जिसके ऊपर वो अपना सर रख रहा है, and he is resting on, और जिसके ऊपर वो विश्राम ले रहा है, is the word that became flesh and dwell. ये वो वचन है कि जो देह रूप में आया और वो हमारे साथ रहने लगा। Others tried to look at him as you know son of Mary and Joseph and brother, but John knew that this flesh is the word of God. बाकियों ने यीशु मसीह को मरियम का पुत्र या फिर यूसुफ का पुत्र इस तौर पर देखने की कोशिश की, लेकिन यूहन्ना जानता था कि वो ये वचन है और ये परमेश्वर का पुत्र जो देह रूप में आया। And now when Jesus died and rose again from the dead, John knew this. और जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और फिर वो तीसरे दिन जी उठे, यूहन्ना इस बात को जानता था। And now John is putting a cross. अब यहाँ पर यूहन्ना एक बात बता रहा है। Now John was closest to Jesus. यूहन्ना यीशु मसीह के काफी करीबी था। You know when you are closest to somebody, you know their heart and their mind. जब आप किसी के बहुत करीब होते तो आप जानते हो उनके मन को, उनके दिल को। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ कुछ? They don't need to tell you. उनको बताने की जरूरत नहीं है आपको। But being closer, you know. लेकिन उनके करीब होने से आप जानते हो। They're feeling their thoughts. उनके भावनाओं को, उनकी बात को जानते हो। John was with Jesus and he was observing Jesus. अब यूहन्ना यीशु मसीह के साथ था, वो यीशु मसीह को बड़ी निगरानी कर रहा था, देख रहा था। And he's observing that Jesus is trying to put the cross to all this Sadducees and Pharisees that he is the son of God. और यूहन्ना ने ये बात को समझ लिया था कि जो सदूकी और फरीसी लोग हैं, वो जो सारे बातें बता रहे थे, उनके सामने यीशु मसीह आकर उनको यही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि वही परमेश्वर है। He knew that Jesus is trying to put a cross to them that he is the word that they are following became flesh and dwell. और यूहन्ना इस बात को जानता था कि यीशु मसीह सदूकी फरीसी लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह ही वो वचन है जो देह रूप में आए और वो परमेश्वर है। And Jesus was trying to put this to people. और यीशु मसीह यही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। And his own accepted not. और उसके अपनों ने उसको स्वीकारा नहीं। Jesus tried to prove time and time. यीशु मसीह ने हर बार इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की। But his own accepted not. लेकिन उसके अपनों ने इस बात को अपनाया नहीं। It was so painful for Jesus. और ये बड़ा ही दुखद बात था यीशु मसीह के लिए। Bible says there is time he went on the mountain, he spread his hand and he wept bitterly, saying, Oi Jerusalem, how much I tried to get you under my wings. Has the hen tried to take the chick under the feather? और बाइबल में बताया गया कि जब यीशु मसीह उस पर्वत पर गए और उन्होंने अपने हाथ फैलाकर वो रोए और वो कहा कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती, वैसे मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ। But she could not recognize the one who came from God and the one who flesh, the word that became flesh. Her mind was on things of the world. लेकिन वो लोग उसको पहचान नहीं पाए कि वही तो था जो शब्द था, जो देह रूप में आया, वो परमेश्वर था, लेकिन उनकी बातें इस जगत की देहिकता पर थी। It was so sad, the one he was trying, they only were not accepting. ये कितना मुश्किल था और कितना बुरा था कि जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहा था, वही लोग उस बात को समझ नहीं पाए। The others accepted, the Gentiles and all accepted very easily. In fact, they came and fell at his feet. देखा जाए तो अन्य जाति जो थे उन्होंने काफी आसानी से स्वीकार किया, वो तो उसके चरणों के पास आकर गिर गए। But these people were, you know, hardened heart. लेकिन यही जो यीशु मसीह के अपने लोग थे, वही कठोर दिल के थे। And the Bible says Jesus tried to tell them again and again. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने बार-बार उनको समझाने की कोशिश की। Jesus was trying to tell them that I have come for you and I have come for blessing for you. I am the one that Moses spoke. I am the one that you know going to give you life and blessing. और यीशु मसीह यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में मूसा ने कहा गया है, कहा है मैं तुम्हारे लिए एक आशीष बनने के लिए।
आया हूँ। But these people eyes were blinded। और लेकिन ये लोगों की जो आंखें थी ये बंद हो चुकी थी। It's dangerous to be blinded eyes। ये काफी खतरनाक है कि हमारी आंखें अंधे हो जाए। Cannot see the truth। कि हम सच्चाई को देख नहीं पाए। Cannot see the door of blessing। कि जो आशीष का द्वार है उसको हम Cannot देख नहीं पाए। Cannot hear the truth। कि हम सच्चाई को नहीं समझ पाए। Sometime I will tell you what are the cause of blindness of the eye। कभी-कभी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन की आंखों का अंधा होना इसके वजह क्या हो सकती है। Yesterday I had shared with you that Saint Paul says in For this cause I bow my knees before the Father of our Lord Jesus, the eye of your understanding may be open. कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट पॉलस वहां पर कहता है कि मैं अपने घुटनों पर जाकर मैं आपके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समझ की आंखें खुल जाए. And eye of the understanding may be open. कि आपकी समझ की आंखें आपके अंतःचक्षु खुल जाए. It's dangerous for eyes to be blinded and we feel there's a way that seems right in the eyes of man. But leads them to destruction. लेकिन काफी बुरा हो सकता है अगर हम अपने आंखों में हम अंधे हो जाए, क्योंकि एक रास्ता जो होता है मनुष्य को जो सही लगता है लेकिन वो अंत में नाश की ओर ही ले जाता है. King Ahab, जो आहाब राजा है, heart turned from God, उसका दिल परमेश्वर से मुड़ गया. But yet he was on the position. लेकिन फिर भी उस ओहदे पर उस जगह पर वो था. It's dangerous to be in the position when your heart is turned from God. ये काफी खतरनाक हो सकता है अगर हम उस ओहदे या जगह पर अभी भी बने हो अगर हमारा दिल परमेश्वर से हट गया हो. Again I say if you are in any position. मैं फिर से कहता हूँ कि अगर किसी भी जगह या स्थान पर हो आप and your heart turns from God, और यदि आपका दिल परमेश्वर से पलट जाए, it's dangerous we can mess up. कि ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है कि हम वहां पर बहुत ही खराबी कर सकते हैं. Eyes can be blinded. कि हमारी आंखें अंधी हो सकती है. And the king Ahab, और जो राजा आहाब है, he was in the position, वो एक ऐसी जगह पर था, and he had everything, उसके पास सब कुछ था, but his heart turned from God, लेकिन उसका दिल परमेश्वर से फिर गया, his eyes were blinded, उसकी आंखें अंधी हो गई, he was going for war, वो वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए जा रहा and था, he told all the prophets, और इन सारे भविष्यवक्ताओं के बीच, and all the prophets says, और सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा, go, जा, we see that you will win, हम देखते हैं कि तू जीतेगा, and Sometime I will tell you how to listen to prophets also. मैं कभी-कभी आपको ये भी बताऊंगा किसी दिन की भविष्यवक्ताओं को किस प्रकार से सुनना है। One day God said to one prophet, "Don't eat anything in that place." एक दिन परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को कहा कि उस जगह पर जाकर कुछ खाना नहीं। Prophesied and walk out. भविष्यवाणी करना और वहाँ से चले जाना। The another prophet came and told him that God told me that you shall eat here. और लेकिन दूसरा भविष्यवक्ता करके कहने लगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर आओ और आप मुझे खिलाओ। And this prophet believed and he ate and he died in that place. और इस पहले भविष्यवक्ता ने इस बात को सुनकर उसने वैसा ही किया, उसने खाया और उसका मौत वहीं पर हुआ। Lion came and killed him. शेर आया और शेर ने उसको पूरी तरह से खा दिया। And not to donkey but to him. उस जानवर को नहीं लेकिन उसको। And because he disobeyed. क्योंकि उसने आज्ञा पालन नहीं की। Sometimes we can be led astray listening to some people wisdom. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम गुमराह किए जा सकते हैं किसी और के ज्ञान को सुनकर। We need to be so much careful and we need the author to understand the word. हमें इतना सतर्क और सावधान रहना क्योंकि हम जिसने लिखा है उसका लेखक जो है उसके पास से हमने बातें सुननी है। You can't understand if I know 15 medicines, I cannot become doctor. अगर मुझे 15 दवाइयों के नाम पता है तो इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हो? Are you understand what I'm saying? आपको समझ आ रहा है? Yes. One day one medicine doctor gave me. एक दिन एक दवाई दी डॉक्टर ने मुझे. And after that I told him. और उसके बाद मैंने उससे कहा. Immediately he said. तुरंत उसने कहा. Stop that medicine. वो मेडिसिन रोक देना अब. He gave another medicine. उसने दूसरी दवाई दी. They changed many things. उन्होंने बहुत सारी चीजें बदली. So exact the way. और वैसा ही. If somebody sees me doctor giving me that medicine. अगर कोई देखता है कि डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा है. He also goes and tells somebody take this medicine. और वो ही जाकर किसी और को कहता है कि ये मेडिसिन लेना. It can cause damage to them. वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है. So We cannot just take few things and say that you know we know everything. हम बस चंद बातों को इकट्ठा कर ये नहीं कह सकते कि हमको सब कुछ आता है। Some people come to church, they learn little bit playing guitar, they learn little bit how to get saved, how to get filled, how to get miracle, and they think they are. Able to go out and start the churches. कुछ लोग आते हैं कलीसिया के अंदर थोड़ा गीत या संगीत बजाना शुरू कर देते हैं उनको लगता है चंद बातें आ गई तो वह बाहर जाकर अपनी सेवकाई शुरू कर सकते हैं। It's dangerous. We can't play with souls unless you have confirmation from God. ये काफी खतरनाक है क्योंकि हम आत्माओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जब तक हमको परमेश्वर से इस बात का यकीन नहीं मिलता। Half the knowledge is dangerous. और आधा पका हुआ ज्ञान वो काफी घातक हो सकता है। So King Ahab, जो राजा आहाब है, his eyes were blinded. उसके आंखें अंधी हो चुकी थी। He thought he knows everything. उसे लगा कि उसे सब कुछ And he told all the prophets. और उसने सारे भविष्यवक्ताओं से What कहा, can I do? कि मैं क्या करूं? And all prophets said. और सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा, Oh, God is with you, you will win. जा परमेश्वर तेरे साथ है, तू विजयी होगा. And Bible says. और बाइबल कहती है, There's one prophet by the name of Micah. एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम था मीका. He said, Don't go. उसने कहा कि जाना नहीं. I see
Everything is scattered. मैंने देखा कि सारा तितर बितर हो चुका है. And he said, और उसने कहा, This prophet is always. ये भविष्यवक्ता हमेशा ऐसा है. हाँ, माझ्या विरुद्धच बोलणार. हजे काय बोलतो, माझ्या विरुद्धच बोलतो. माझं काय चांगलं त्याला आवडत नाही. Have you ever seen people like that? कभी देखा है ऐसे लोगों को? Yes. Eyes are blinded. आंखें अंधी हो चुकी है. तेज वचन जे पुलपीट वरून येत होता, ते आशीर्वाद होता, आता तेच वचन आम्हाला टोमना, तेच दार आम्हाला अडखळा आणतोय. इट्स डेंजरस व्हेन यू कम टू दैट प्लेस. नो, यू आर डेंजरस. जब आप उस स्थान पर आते हो तो ये काफी खतरनाक हो सकता है. यू आर इन अ डेंजरस ग्राउंड. आप एक खतरनाक ऐसी भूमि पर हो. कम टू दैट प्लेस, यू आर इन अ डेंजरस ग्राउंड. अगर जैसा मैंने कहा, उस जगह पर अगर आप आए तो आप बहुत ही खतरनाक भूमि पर आए. He said, उसने कहा, he slapped Micah. उसने उस भविष्यवक्ता को तमाचा मारा. Because he was king. क्योंकि वो राजा था. He had authority. उसके पास वो अधिकार था. You know, you have authority to accept me or no? आपके पास पता है अधिकार है कि आप या तो मेरी बातों का स्वीकार करो या नहीं करो. What you are saying, pastor? अरे पास्टर, even the Sadducees and Pharisees had authority to believe Jesus or no. जो सदु की परुषी थे, उनके पास भी, उनके पास वो चुनाव था कि यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें या नहीं. I have slapped him. राजा आहाब ने उसको तमाचा मारा. After slapping him, तो थप्पड़ मारने के बाद, put him in the prison, उसको कैद खाने में डाला. And he went ahead, और वो आगे बढ़ा. His eyes were blinded, उसके आंखें तो अंधी हो चुकी थी. He didn't know not him, but he is going to destroy whole Israel. उसे पता नहीं था केवल वो नहीं लेकिन उस समस्त इसराइल का नाश करेगा. Sometimes the eyes blinded can be dangerous. कभी कभी आंखों का अंधा होना काफी घातक हो सकता है. And then he never came back. और फिर वापस वहां से कभी वो लौट नहीं आया. Everything was scattered. और सब कुछ तितर बितर हो गया. So many times we are not aware. तो कई बार हमें उतनी जान. Now Jesus is trying to tell these people their eyes are blinded. तो यीशु मसीह यहाँ पर वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं. With the authority and the power and the position that God has given. कि जो अधिकार, जो सामर्थ्य, जो ओहदा यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया था. And they are judging Jesus. और वो वहाँ पर यीशु मसीह का न्याय करने लगे. It's good to discern. कि ये अच्छा है कि हम परख ले. You know, doubts are good. जो शक होते हैं वो अच्छे होते हैं. Can I say something? Doubts are good. क्या मैं कुछ कहूँ कि जो शक होते हैं वो अच्छे होते हैं. You may not like, but doubts are good. आपको शायद पसंद ना आए लेकिन शक अच्छे होते हैं. Doubts are keeping people into the proper harmony. शक जो है वो लोगों को अच्छे अच्छे माहौल में बनाए रखते हैं. Doubt is your doubt, but don't doubt God's word. जो शक है वो अच्छा है लेकिन वो शक सही तरह से परमेश्वर के वचन पर मत करना. Listening what I am saying, मैं आपको कहना चाहता हूँ फिर एक बार. Doubt at your doubts, आपके जो शक है उस पर आप शक उठाओ. But don't doubt God's word, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उस पर कभी शक ना उठाओ. Don't believe any man, book of Jeremiah 17:5 says. यिर्मयाह का 17वां अध्याय 5वें वचन कहता है कि किसी भी मनुष्य पर आप विश्वास न करना. But believe in God's word. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उस पर विश्वास करो. God's word is yea and amen. परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है. Hallelujah. Hallelujah. So doubt at your doubt. जो आपके शक है उस पर आप शक उठाओ. Doubts are good. आपके जो शक है वो अच्छे है. Can I say something? क्या मैं कुछ कहूँ? Nobody doubts at the blackness of the coal. जो कोयला है उसके कालेपन पर कोई शक नहीं उठाता. But everybody doubts at the purity of gold. लेकिन सोने की जो चमक है या शुद्धता है उस पर बहुत शक उठाए जाते हैं. If you go to some coal, he will not test to see whether it is 24 carat. अगर आप किसी कोयले की दुकान में जाओगे तो आप ये परखने की कोशिश नहीं करोगे कि कितना असली कोयला है. Nobody doubts at coal. कोई कोयले पर शक नहीं करता. But in gold, लेकिन सोने का विषय हो तो always testing. तो सोने पर हमेशा परखते हैं, उसको जांचते हैं. We may go through testing. उसको परखने से जाना पड़ेगा. We may go through testing. हम परीक्षाओं से गुजर सकते हैं. Every testing God sees. हर एक परीक्षाओं में परमेश्वर देखता है. And our standard is raised. और हमारा जो दर्जा है वो बढ़ने लगता है. So we can see here Jesus is saying. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं. And they are doubting. कि जब वो शक करते हैं. But with the proof also they are not believing. लेकिन जब यीशु मसीह सबूत पेश करते हैं उसके पश्चात वो विश्वास नहीं करते. With the proof, if somebody don't believe, there's something. तो अगर ऐसा होता है कि सबूत देने के बाद भी लोग विश्वास ना करें तो कोई खराबी है. Saying, I have proof. अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है. I have proof. मेरे पास सबूत है. I have record. मेरे पास वो इतिहास है. But these people refuse because they know if we believe him, we'll have to submit and say amen to him. लेकिन ये लोगों ने इनकार किया विश्वास करने से क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम यकीन करें तो हमको सारी बातें सौंपनी पड़ेगी, उनके पास चलना पड़ेगा. So why they are arguing against even the proof that Jesus had? तो क्यों वो वहां पर झगड़ा कर रहे थे कि यीशु मसीह के पास सबूत होने के पश्चात भी? They want to hide the truth. क्योंकि वो सच्चाई को दबाना चाहते थे. And they wanted to tell because they thought that Jesus will take over all the people who are following them. और वो उनको इसी बात का डर था कि जो लोग वो सदूकी फरीसी के पीछे चल रहे थे कि यीशु मसीह को अपनाने से वो यीशु मसीह के पीछे चल लेंगे. Jesus tried to prove to them. और यीशु मसीह ने उनको सिद्ध करने की कोशिश की. Jesus tried to prove to them that he is
The word that became flesh. और यीशु मसीह ने उनको बताने की ये पूरी तरह से कोशिश की कि वो वचन है जो देह रूप में आया। Jesus is trying to tell them that I am. यीशु मसीह ने सिद्ध करने की कोशिश की मैं वो हूँ। Jesus is trying to tell them that nobody else but me. यीशु मसीह ने ये पूरी कोशिश की बताने के लिए कि मेरे अलावा कोई और नहीं। But they tried to play with the word. लेकिन उन्होंने शब्दों के साथ खेलने की कोशिश they की। They tried to move from the point. वो जो मुद्दा है वहाँ से भटकने की उन्होंने पूरी कोशिश की। Jesus was trying to tell them truth. They tried to move from the point and tried to divert. आपके जो माता पिता है वो तो हमारे साथ ही है। How can you say? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? 50 years old. आप तो 50 की उम्र भी नहीं है आपकी। Are you greater than Jacob? क्या आप याकूब से बड़े हो? Are you greater than this and are you greater than that? क्या आप इनसे बड़े हो? क्या आप उनसे बड़े हो? You know, they all try to compare Jesus with others. उन सब ने यीशु मसीह की दूसरों के साथ तुलना की। And that was the most hurting to Jesus. Because he is the only way, the truth and life. और ये सबसे बड़ी बुरी बात थी जो उन्होंने यीशु मसीह को चोट पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चाई और जीवन है। How it was hurting him being God that they are comparing him with Moses. Let me tell you, Moses never said, "I am with you," but Jesus said, "I will be with you." कि किस प्रकार से यीशु मसीह को उस बात से दुख हो रहा था कि ये यीशु मसीह की तुलना मूसा से कर रहे थे क्योंकि मूसा ने कभी ये कहा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। They compared Jesus with Jacob. उन्होंने यीशु मसीह की याकूब से तुलना Are you greater than our forefather Jacob? कि क्या तुम हमारे जो पूर्वज है याकूब है उनसे बड़े हो? How much it must have hurted him? कि कितना उनको बुरा लगा होगा इस बात से? Jacob was deceiver. याकूब जो देखा जाए तो वो फंसाने वाला था. They tried to compare him with Moses and Elijah. उन्होंने यीशु मसीह की तुलना मूसा और एलिया से की. It's dangerous to compare. कि बड़ी गलत बात हो सकती है कि हम तुलना करें. Jesus is trying to tell them. यीशु मसीह उनको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. I am the only one. कि मैं केवल एक हूँ. I am the only one. मैं एक मैं There's nobody beside me. मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं But है। these people divert mind. लेकिन ये लोग अपना मन भटकाते हुए They would never focus them on Jesus. कि वो कभी यीशु मसीह पर लक्ष्य ध्यान Today रखते। in this world, आज इस जगत में our mind is wandering. Let us focus on Jesus. हमारा मन भटक रहा है लेकिन अपने भटके हुए मन को हम यीशु मसीह पर लक्ष्य It's dangerous to have the divert mind. ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है कि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है और भटक रहा है Focusing on Jesus, that is the most important thing in this day. कि आज के दिनों में हमारा मन और हमारा ध्यान यीशु मसीह पर ही केंद्र स्थान में होना no चाहिए। Who comes and who goes. कि चाहे कोई भी क्यों ना आए या जाए। Some people come and some people will go. Doesn't matter the people, but focus yourself on Jesus. कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग ऐसे चले भी जाएंगे लेकिन अपना जो ध्यान है वो केवल यीशु मसीह पे बनाए रखो। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कह रहा हूँ कुछ? Have you seen football? कभी आपने फुटबॉल को देखा है? People who are playing football. जो लोग फुटबॉल खेलते हैं। You know when they are playing football? जब फुटबॉल खेलते हैं। Their purpose is to take that goal to the ball to the goal. उनका जो मकसद है वो जो गेंद है उसको गोल तक पहुंचाना है. And you know that ball is always kicked. और जो गेंद है उसको हमेशा लात मारी जाती है. You know why it kicked? पता है क्यों लात मारी जाती Because है? Because that ball is out of the goal. क्योंकि वो जो गेंद है वो गोल से दूर है या बाहर है. And always kicked. और उसे हमेशा लात पड़ती है. And then you know. और तब जानते हो. One person take the ball. एक He runs. गेंद लेता है वो गेंद लेकर दौड़ने He runs. वो दौड़ता है. Then he passes to another one. फिर वो किसी को गेंद दे देता है. That is from left side. फिर वो यहाँ से दूसरी दिशा से हो सकता है, दूसरी दिशा से हो सकता है. And that person takes the ball. और फिर दूसरा व्यक्ति गेंद को लेकर जाएगा. For some time that ball is with that person. और थोड़े समय के लिए वो गेंद किसी दूसरे व्यक्ति के पास होगी. Very nicely that person runs with ball. फिर वो व्यक्ति उस गेंद को लेकर दौड़ने लगता है. And then और उसके बाद he kicks. फिर वो लात मारता Then it goes there. और फिर दूसरे के पास चले जाता है Finally, आखिरकार they kick solid kick वो इतनी जोर से लात मारते for that ball to go in the goal. कि ताकि वो गेंद सीधी से तरह से जाकर उस गोल में पहुंचा There are many kicks in our life. ऐसे बहुत सारे लाते होते हैं हमारे जीवन में many people for some time God has given us to lead us till there. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने रखा है कुछ कि वो हमको उस जगह तक ले चले their fellowship is not till the end. कि उनकी संगति हमारे लिए अंत तक के लिए नहीं Certain है chapter you'll find some people. कुछ चैप्टर में कुछ अध्याय में हम देखोगे कुछ लोगों को बट सर्टन आफ्टर चैप्टर लेकिन कुछ अध्याय के बाद आप यू कैन सी दैट यू नो यू कैन सी दैट ऑल द मैन ऑफ गॉड ऑल द प्रॉफिट ऑफ गॉड हैड अ डिफरेंट स्टेट
फिर हम देख सकते कि बाकी दूसरे कुछ अध्याय में जो परमेश्वर के जितने दास है सेवक है उनके पास वो अलग जगह थे अलग वुमन ब्रॉट जीसस दैट वुमन ब्रॉट ऑल द सिटी टू जीसस कि वो स्त्री जो थी वो पूरे नगर को यीशु मसीह के पास ले आई एंड नाउ दे सेड टू दैट वुमन और अब उन्होंने कहा उस स्त्री से नाउ वी डोंट नीड यू अब हमें तेरी जरूरत नहीं समार्टिन वुमन नाउ वी डोंट नीड यू वो सामरी स्त्री को उन्होंने कहा कि हम हमें तेरी जरूरत नहीं है नाउ वी बिलीव वी विल फॉलो अब हम विश्वास करते तो हम गॉड विल डिपॉजिट सम पीपल इन योर लाइफ तो परमेश्वर कुछ लोगों को आपके जीवन में रखेगा टू ब्रिंग यू टू सर्टेन प्लेस कि आपको किसी जगह पर लेकर आने And when you come to that place, और जब आप उस जगह पर पहुंच जाओगे, the purpose of those people is changed. तो उन लोगों का जो मकसद है वो बदल जाएगा. You don't have to argue and fight. God has a different season for you in the life. परमेश्वर के पास आपके लिए एक दूसरा मौसम तैयार है. Sometimes the same people who lead you will go away from you. कभी-कभी वही लोग जो आपको ले चलते हैं, वही लोग आपको छोड़ चले जाएंगे. And the people who are called, God will not forsake them. God will take them to the goal. और जो लोग परमेश्वर ने जिनको बुलाया है, वो लोग कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो आपको मकसद तक ले जाएंगे. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कह रहा हूँ कुछ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? So that for some time, तो थोड़े समय के लिए you may be with people. आप कुछ लोगों के साथ होंगे. Sometime may fall in love with those people that you don't want to leave those people. That bowl is saying no, no, no. I want you only. No, no, no. I want you only. No, no, no. I want you only because I don't want that goal. Now I fall in love with you. Now doesn't matter if I die, if I break anything doesn't matter. I want you. But God says yo. Purpose is not here. Your purpose is there. और कभी ऐसा हो भी सकता है. Whole nation is depending on you to be inside that goal. कभी ऐसा भी हो सकता है. God saying all heaven is waiting for you. परमेश्वर कहता है कि पूरा स्वर्ग आपके इंतजार में है. To get into that place. कि आप उस नियुक्त स्थान पर पहुंचे. Be wise today. आज ज्ञानी बनो. Same people will kick you. वही लोग आपको लात मारेंगे. But it will be good for you. लेकिन वो आपके भलाई के लिए होगा. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को कह रहा हूँ? Thank them. धन्यवाद हो उनके लिए. Thank them for that. धन्यवाद हो उनके लिए. One day, one man of God, his daughter died. एक दिन परमेश्वर का जो सेवक है उसकी बेटी का देहांत हुआ. Accident. दुर्घटना में उनका मौत हुई. 16 साल की थी वो. That child died. और वो बच्ची मरी. Everybody came. सब आए. And they looked at this man of God. और उन्होंने इस परमेश्वर के दास को देखा. And they began to ask. और वो पूछने लगे. How this happened? ये कैसे हुआ? What happened? क्या हुआ? And all these things. और ये सारी बातें. But he looked at all of them. और उसने सबको देखा. He picked up his daughter. उसने अपने बेटी को उठाया. And he said, Father. उसने कहा पिता. Thank you for giving me this daughter for 16 years and gave me the joy of my life. और परमेश्वर धन्यवाद कि 16 साल के लिए तूने मुझे ये बेटी दी और मेरे जीवन का बहुत बड़ा आनंद तूने मुझे दिया। I thank you for this wonderful daughter. और धन्यवाद इस अद्भुत बेटी के लिए प्रभु। Now she is gone. अब वो चली गई है। I thank you, you will replace yourself with my daughter. और धन्यवाद प्रभु कि मैं विश्वास करता हूँ कि इस बेटी के बदले आप तू उस जगह को भरेगा। You know, you can take a glass. आप एक ग्लास को ले सकते हो। Half of glass of water. आधा ग्लास पानी से भरा हुआ। And you can say. और आप यदि ये कह सकते हो। Either the glass is half. या तो ये ग्लास आधा है आधा खाली है का आधा भरलेला है You know, you can talk half is empty or half is full. It is the way of looking at it. आप इसको कह सकते हो कि आधा खाली है तो आधा भरा ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है. So certain places didn't work. Don't say it is empty. Say God has filled my place in those days. तो इसलिए जब कुछ rejoice today. आज आनंद मनाओ. Rejoice those days. आज आनंद मनाओ उन दिनों के लिए. Rejoice those fellowship. उन संगति के लिए आनंद मनाओ. Rejoice those people. उन लोगों के लिए आनंद मनाओ. It's time to go ahead. ये समय है अब आगे जाने का. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कुछ बोल रहा हूँ? If you are in the college. अगर आप कॉलेज में हो. You have nice friends circle. आपके अच्छे दोस्त है But when you pass, लेकिन जब आप पास होते you हो have to go ahead. आपको आगे बढ़ना होता you है have to leave them. आपको उनको छोड़ना Some पड़ता people है. Did not pass. कुछ लोग पास नहीं हुए you can't force them. आप उनको जबरदस्ती They नहीं don't want सकते to pay the price. वो इतनी कीमत चुकाना नहीं They don't want to go higher. वो आगे नहीं बढ़ना चाहते you know, the other day, one clip that we sent, उस दिन हमने एक क्लिप देखी थी that one big eagle is there. एक बड़ा उकाब है Eagle don't argue with crow. उकाब जो है वो कौवे से झगड़ा नहीं करता The crow comes and sit on the Shoulder of eagle. कवा जो है वो उकाब के कंधे पर जाकर बैठ जाता eagle है is flying. और उकाब उड़ान भर रहा है But then you know what happens? लेकिन फिर पता है क्या होता है Eagle don't waste time. उकाब वापस समय बर्बाद But नहीं करते there is certain height लेकिन कुछ ऐसे ऊंचाई पर that crow can bear with eagle. कि जहां तक वो कौवा जो है वो सह सकता है उकाब के साथ But after that height, crow cannot survive. लेकिन उस ऊंचान के बाद आगे बढ़ने से वो कौवा उतना सहन शक्ति नहीं रख पाता Some people with you can go to certain distance. कुछ लोग आपके साथ थोड़े अंतर तक जा सकते Abraham said, इब्राहिम ने कहा to his servants, अपने दासों से you stay here with donkey. वो जो गधा है उसके साथ तुम रहो
I am going with my son. मैं अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ. Because this is the mountain of sacrifice. क्योंकि ये वो पर्वत है अर्पण का. Mount Moriah is a mountain of sacrifice. You will not pray because you are following me to get the wages because you are my servant. You are following me to get something. But this is the time to give something. ये वो समय के कुछ देने का क्योंकि तुम मेरे साथ पर्वत पे आकर प्रार्थना नहीं करोगे. वहाँ पर मैं जाऊँगा तो तुम यहाँ पर रुको. So there are people. तो ऐसे लोग भी हैं. Who will stop? जो रुक जाएंगे. And that's what I'm trying to say today. और यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Don't worry, nothing happen unless God allow because God is the Lord of your life. देवानी तुम्हाला आणलं, देवानी तुम्हाला पाषाण केलं, देवानी तुम्हाला तारण दिलं, देवानी तुम्हाला बाप्तिस्मा दिला, देवानी पवित्र आत्मा दिला, देवानी आरोग्य दिलं, देवानी सर्व काही दिलं. जे लोक तुमच्याकडे ते पण देवानीच दिलं. मग तुम्ही देवाला सोडून त्यांच्या मागे कशाल? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? There are leaders. ऐसे अगुवाए हैं. You can lead people sometime. आप लोगों को कुछ समय तक चला सकते हो. But if their call is higher than you. अगर लेकिन उनका बुलावा आपसे ऊंचा है. You have to raise them up to that level. आपको उनको उस पायदान तक ऊंचा उठाना है और चलाना है. Many leaders want you to be their tail. बहुत सारे अगुवा ऐसे चाहते हैं कि वो आपके नीचे ही रहे. No, raise them up to level that God has another set waiting for you. तो अगुवा जितने भी है ये सिद्ध करने की कोशिश ना करो कि ये मेरे लोग हैं, इनको मैं साथ में रखूंगा, जब तक है तो तब तक मैं अगुवा हूँ. लेकिन अगर उनका बुलावा ऊंचाई के लिए तो उनको वहां तक ले जाओ. Sometimes some camel come to you. कभी कभी कुछ कैमल आता है आपके पास. It looks so nice with you. जो आपके साथ आकर ऊंट अच्छा लगता है, छोटा सा. It's in your house. वो आपके घर में है. You're having nice house fellowship. बहुत ही अच्छी घर की सहभागिता हो रही है. But after some time that camel start growing. लेकिन थोड़े समय के बाद वो ऊंट बड़ा होने लगता है. It grows. और वो और बड़ा होता है. It grows. और बड़ा होता है. It grows. और बड़ा होता है. And if you don't let it go out. और अगर उसको आप बाहर जाने की इजाजत ना दोगे. Your roof will be broken. आपका जो छत है वो टूट जाएगा. Because his call is bigger than you. क्योंकि उसका बुलावा जो है आपके घर से बड़ा है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Some people call are bigger than us. कुछ लोगों के जो बुलावे हो हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं. In fact, every leader has to have that kind of mentality. Let me decrease and let him increase. देखा जाए तो जितने भी अगुवाए उनके पास ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि मैं घटू और बाकी जितने लोग हैं उनको मैं बढ़ाऊ. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ? Leaders are here to encourage people. जो अगुवा है वो यहाँ पर इसलिए कि वो लोगों को उत्तेजित करे. Leaders are here to lift up people. अगुवा यहाँ पर लोगों को उठाने के लिए है. Leaders are not here that four people behind me and they say I'm leader. अगुवा इसलिए के लिए कि वो चार लोगों को पीछे खड़ा कर बताए कि मैं लीडर हूँ. To encourage people. हम यहाँ पर लोगों को उत्तेजन करने के लिए है. Make people more than you. हम जितने उससे ज्यादा हम लोगों को बनाए. I rejoice when people talk about my leader. मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे लीडर्स के बारे में बात करते हैं. Never discourage anybody in the Lord. कभी भी परमेश्वर के अंदर किसी को निराश नहीं करना. No matter what your personal relationship in the Lord, never discourage. चाहे आपका व्यक्तिगत नाता किसके साथ किस भी प्रकार का हो लेकिन कभी उनको परमेश्वर के अंदर निराश नहीं करना. We are here to encourage people in the Lord. कि आपको हमेशा परमेश्वर में लोगों को उत्तेजन देना है. Jesus tried to tell them. यीशु मसीह ने उनको बताने की कोशिश की. But the Sadducees and Pharisees could not believe. लेकिन जो सदुकी फरूसी लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं कर पाए. क्योंकि आंखें अंधी हो गई हैं. Again and again Jesus tried to tell them. बार-बार यीशु मसीह उनको बता रहे हैं. And when you hear about Jesus. और जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में. Sometimes you cry that how much he loved them. कि कभी-कभी रोते कि कितना प्रेम करते वो उनसे. You know the other day I said. उस दिन मैंने कहा था. Lord 40 years. प्रभु 40 साल. Not only Israel. केवल इसराइल नहीं. But God also struggled with them for 40 years with them. परमेश्वर ने भी उनके साथ मिलकर संघर्ष के यात्रा से 40 years of God went with them. कि 40 साल परमेश्वर उनके साथ बना रहा और चला. So always look at people above you. तो हमेशा इसलिए लोगों को अपने से ऊंचा देखो. Always say. हमेशा कहो. Don't say 3/4 is empty. Say 3/4 is full. देखो ऐसा मत कहो कि 3/4 खाली है लेकिन बोलो कि 3/4 भरा हुआ है. 1/4 is empty. Don't say. Say 3/4 is full. ये मत कहो कि 1/4 खाली है लेकिन बोलो कि 3/4 भरा हुआ है. कुना दे सांगा धन्यवाद. किसी को थैंक यू. धन्यवाद. किसी को बोलो धन्यवाद. माझ्या जीवनामध्ये तू भर घातली. आई थैंक गॉड फॉर दैट. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस बात के लिए. जर तू नसला असता तर मी इथपर्यंत आलो नसतो. God said to Adam, "Don't eat this fruit." परमेश्वर ने आदम से कहा कि ये फल को नहीं खाना. Otherwise, surely you will die. वरना तू यकीनन मर जाएगा. And I said yesterday that God told Adam, "Adam ate that fruit and he walked out of life." And light. परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी और आज्ञा का पालन नहीं किया आदम ने और वो रोशनी और जीवन के बाहर चला गया. He went to darkness and he went to death. और वो अंधकार की ओर और मौत की ओर चला गया. God's word is light and life. परमेश्वर का वचन जीवन और रोशनी है. Out of God's word is death. परमेश्वर के वचन के बाहर मौत है. Jesus says in book of John. यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहते हैं. Nobody walks.
कोई भी चलता नहीं है. 12 days, 12 hours a day is a light. Nobody stumble in the light. कोई भी दिन के 12 घंटे में जब चलता है उस रोशनी के समय दिन में वो कभी लड़खड़ाता नहीं है. But walking in the night, people can stumble. लेकिन रात के समय अंधकार में लोग लड़खड़ा सकते हैं. So walk in the light as God is light. कि जिस प्रकार परमेश्वर रोशनी है वैसे ही रोशनी में आप चलो. Psalmist says his words are lamp unto my feet. भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि उसका जो वचन है वो मेरे लिए पैरों के लिए वो रोशनी के समान है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ? His words are lamp unto my feet. उसकी जो मेरे पैरों के लिए उसके वचन वो दिए के समान है. Adam came out of life and light. आदम जो है वो रोशनी और उस जीवन के बाहर आ गया. Here Jesus said, Book of John 8 and 9 chapter, I am the light of the world. और यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना इसके 8वें 9वें अध्याय में कहते हैं कि मैं इस जगत की रोशनी हूँ. Satan has blinded the eyes, but I have come to open your eyes. शैतान ने आंखों को अंधा कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आया कि मैं आंखें खोल दूँ. And Jesus tried to argue with these people. और यीशु मसीह ने यहाँ पर इन लोगों से बहस करने की कोशिश की. Book of John 8 chapter, यूहन्ना इसके 8वें अध्याय में, 9 chapter, 9वें अध्याय में, we can see how Jesus is trying to prove his point. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार इस मुद्दे को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं. Every miracle, और हर एक चमत्कार, behind every miracle, हर एक चमत्कार के पीछे, Jesus didn't only meet the need of that person, but Jesus moved all the atmosphere over there. यीशु ने केवल उस व्यक्ति की जरूरत को पूरी नहीं किया, लेकिन यीशु ने जो माहौल था उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया. What he tried to tell them, Jesus proved to them by the word. यीशु मसीह जो यीशु मसीह जो उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, यीशु मसीह ने उस बात जो बताई थी उसको चमत्कार करके सिद्ध करके दिखाया. Now these people say, who's seen this blind man is suffering? कि यीशु मसीह को अब ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंधा व्यक्ति है ये किसके पाप का नतीजा है जिसके वजह से तकलीफ में है. Jesus says, not for the sins. यीशु मसीह ने कहा कि ये पाप की वजह नहीं है. Jesus says, for the God's glory. लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए. How can be God's glory? ये कैसे परमेश्वर की महिमा की? Jesus says, just come out of the feast. कि यीशु मसीह अभी पर्व से बाहर आए हैं. Jesus is speaking to them in the feast. और यीशु मसीह पर्व के समय उनसे ये कह रहा है. He says, I'm the light of the world. वो कहता है कि मैं ये जगत की रोशनी हूँ. And they're arguing with Jesus. और वो यीशु मसीह से बहस कर रहे हैं. And they're not believing. और वो विश्वास नहीं कर रहे. And there's a chaos in the temple. और वहाँ पर बहुत ही गड़बड़ का माहौल बना है मंदिर में. Some believe, some didn't believe. ये कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. Some say he's a good man. Some say he's a pouting the God's word. कुछ लोग कह रहे कि वो आज भला व्यक्ति है, कुछ लोग कह रहे कि वचन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है. And you know, many people did not believe. और बहुतों ने विश्वास नहीं किया. Jesus came out of the temple, but he's sending this blind man into the temple to show that what he said, that is yea and amen. यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर के बाहर आए, लेकिन यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को मंदिर में जाकर भेजा ये बताने के लिए जो उसने कहा है वो हाँ और आमीन है. He put the mud on his eyes. उसके आंखों पर उसने मट्टी लगाई. And he said, go to temple. और उसने कहा कि जा मंदिर में. Go to pool of Shalom. वो शालोम का जो पूल है, कौन है उसके पास जा. There was a feast. वहाँ पर पर्व था. Just last week, last day, yesterday. कल की बात थी, कल पर्व था. People did not believe. और लोगों ने विश्वास ही नहीं किया. That the shadow that they were following, that was me. कि जो परछाई जिसके पीछे वो चल रहे थे वो मैं हूँ. They did not believe. उन्होंने विश्वास नहीं किया. The festival of light. कि जो रोशनी का जो त्योहार है. That they are celebrating. That is, I am the light. कि जिसको वो मना रहे हैं वो मैं हूँ, मैं वो रोशनी हूँ. And they did not believe. और उन्होंने विश्वास नहीं किया. They are following shadow. They don't want to see the substance. कि वो परछाई के पीछे चल रहे, लेकिन वो सच्चाई के सामने नहीं आना चाहते. Now in this phase, it was very difficult for them to digest that he is the light. अब इस पर्व के बाद उनके लिए काफी कठिन था इस बात को समझ पाना कि ये है वो रोशनी. It was very difficult for them to digest that he is the one whom we are following the shadow. कि उनके लिए ये हजम करना काफी कठिन था कि यही है वो व्यक्ति जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, जिसके पीछे हमने चलना है. Now Jesus has come out of it. अब यीशु मसीह उसके बाहर आया है. And he's sending this man inside. और इस अंधे व्यक्ति को वो अंदर भेज रहा है. He says, go to pool of Shalom and wash yourself. और वो कहता है कि शालोम के कुंड के पास जाओ और अपने आप अपने आंखों को धो ले. Why? क्यों? Because in that temple. क्योंकि उस मंदिर में. Now people will see. अब लोग देखेंगे. That he is the one who gave light, who gave sight to blind. कि यही है व्यक्ति जिसने इस अंधे को आंखें दी. Can I say something to you? क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? He has given the eyes to this blind man, but your blindness is not yet open. इसने इस अंधे को तो आंखें दी है, लेकिन आपका जो अंधापन है, आपकी जो आंखें जो बंद है, वो अब तक खुली नहीं है. Your physical blindness is open, but your spiritual blindness is not yet open to see that I am the light of the world. आपका शारीरिक अंधापन तो ठीक है, लेकिन वो ठीक हुआ है, लेकिन जो आपका आत्मिक अंधापन है वो बंद है, आप देख नहीं पा रहे यीशु मसीह को. That's why many people came and said to Jesus, we can see. इसलिए बहुत सारे लोग आकर यीशु मसीह से कहते थे ऐसे कि हम देख सकते हैं. And Jesus said to Sadducees and Pharisees, because you say you can see, your sins will not be forgiven, and it's dangerous. Who's saying? The one who forgives the sin to the world.
और यीशु मसीह कहते हैं उन लोगों से जो कहते हैं यीशु मसीह को कि हम देख सकते, और यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि तुम कहते हो कि हम देख सकते, तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं होगी। That woman was caught in adultery. वो जो पापिन स्त्री थी वो व्यभिचार में पाई गई। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, throw the first stone. कि पहला पत्थर वो मारे। The one who has not committed sin. जिसने आज तक कभी पाप नहीं किया है। Everybody eyes open. सबकी आंखें खुल गई। Realizing that we are also sinners. ये एहसास करते हुए कि हम भी तो पापी है। They left the stone and they went. वो पत्थर रखकर वो वहां से चले गए। Now Jesus alone qualified to kill this woman. अब यीशु मसीह केवल अकेले थे जो उस योग्य थे कि वो उस स्त्री को मार सकते थे। But he said to that woman, लेकिन उन्होंने उस स्त्री से कहा, Neither I condemn you. मैं फिर भी नहीं करूंगा ये। Go and sin no more. जा और फिर से पाप नहीं करना। You know the one who is caught, he said, Neither I condemn you. He is telling these people. Because you say you can see your sins will not be forgiven. How dangerous it is. आप देख सकते हो कितना खतरनाक है कि यीशु मसीह जो खुद योग्य थे वो खुद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे भी नहीं मार सकता, और यहाँ पर ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तुझे देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हम देख सकते हैं और हम देखते हैं इसलिए उनके पापों की क्षमा नहीं होगी। Now Jesus is sending this man inside. अब यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को अंदर भेजते हैं। And this man had miracle in the temple. और इस व्यक्ति को चमत्कार प्राप्त हुआ मंदिर के अंदर। And in the temple there was unbelief. और उस मंदिर के अंदर ही अविश्वास पाया गया। Today we can see outside, but there is temple, there is unbelief. आज हम बाहर तो देख सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर ये दिखाई नहीं देता। Today many in the temples are unbelief. आज बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर के अंदर है लेकिन वो अविश्वासी है। Many signs need in the temple than outside. बहुत सारे चिन्ह की आज मंदिर में जरूरत है बाहर से ज्यादा। There was a time where miracle used to take outside and people used to come inside the temple. एक समय था कि बाहर चमत्कार होते थे लोग मंदिर के अंदर आते थे। You know, I always preach. मैं हमेशा प्रचार करता हूं। I was in Mumbai and I preached as a young boy. और मैं मुंबई में था एक जवान लड़का बोलकर मैं प्रचार कर रहा था। 1991-92 साल में आई प्रीच इन मुंबई। मैंने मुंबई में प्रचार किया। जीसस डिड मोर मिरेकल एंड ग्रेट मिरेकल ऑन द स्ट्रीट। यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार उस रास्ते के समय किए। नॉट इन द टेंपल, मंदिर के अंदर लेकिन रास्ते पर किए। He healed the blind man. उसने अंधे को आंखें दी। He did the greatest miracle. He rose Lazarus in the graveyard. उसने सबसे बड़ा चमत्कार किया जो कब्रिस्तान में जाकर लाजर को जिलाया। He gave 5,000 people food in the wilderness. उसने जंगल के रास्ते में 5,000 लोगों को खिलाया। Many miracle he did. बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए। Not in the temple in Jerusalem but outside. मंदिर में या यरूशलेम में नहीं लेकिन बाहर। And filled the people inside. और लोगों को अंदर भरा। But at this time, लेकिन इस समय, he is telling this blind man, वो इस अंधे व्यक्ति से कहते, you go inside, तू अंदर जा, and I will do this miracle inside. और मैं ये चमत्कार भीतर करूंगा। And I will show them. और मैं उनको दिखाऊंगा। I will show them. मैं उनको दिखाऊंगा। This pool you are believing now, I am the Lord of that pool. जिस पूल पर, जिस कुंड पर आप विश्वास करते हो, मैं उस कुंड का परमेश्वर हूं। Without me, that pool will not even give sight. मेरे बगैर वो कुंड आपको रोशनी या फिर कोई आंखें भी नहीं देगा। Hallelujah. Hallelujah. It's a good message. ये बहुत अच्छा प्रचार है। If you don't understand, I'm sorry for you. अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है। Today you know Jesus is all together. आप देख सकते हो कि यीशु मसीह आज यहाँ है। And Jesus is telling him, go inside. और यीशु मसीह यहाँ पर उसको कह रहा है कि तू अंदर जा। And there was a chaos. और वहाँ पर बड़ी गड़बड़ाहट हुई। They asked him, वो पूछने लगे, who healed you? किसने चंगाई दी? He said, I don't know. उसने कहा, मुझे नहीं पता। In all that crowd, वो सारी भीड़ में, there was one man. एक व्यक्ति था। His name was Jesus. उसका नाम है यीशु। I don't know. मैं नहीं जानता। But he healed me. लेकिन उसने मुझे चंगा किया। You know, everybody began to realize. सबको ये एहसास होने लगा। And now the proof. और अब ये सबूत। But instead of proof. लेकिन सबूत के पश्चात। They never believed. उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया। Many people will not believe instead of proof. सबूत होने के पश्चात कुछ बहुत सारे लोग हैं जो यकीन नहीं करेंगे। Because they have power and authority to destroy the proof. क्योंकि उनके पास वो अधिकार और सामर्थ्य कि वो जो सबूत है उसका वो नाश करे, Bible उसको खराब करे। From that time they began to plan out to kill Jesus. और बाइबल कहते हैं कि उस समय से उन्होंने ये योजना बनाई कि किस प्रकार से यीशु मसीह को मारे। What we see in the surface that healing, but underground so many things were happening that we didn't know. जो हम देख सकते कि चंगाई का कार्य हो ऊपरी स्तर पर, लेकिन उसके भीतर गहराई में बहुत सारी योजनाएं बन रही थी कि किस प्रकार वो यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की रोशनी हूँ। In this darkness, I am the light. इस अंधकार में मैं रोशनी हूँ। There's a darkness on the earth. इस जगत में अंधकार है। Many times we do not know why. कई बार हम नहीं जानते क्यों। Many times we say, God, why? कई बार हम पूछते परमेश्वर से क्यों प्रभु? Why like this? क्यों ऐसा है? Where are you? कहाँ है प्रभु? People are crying. लोग रो रहे हैं। God, where are you? प्रभु तू कहाँ है? God, where are you? प्रभु तू कहाँ है? God, why you are not answering? जवाब नहीं देता। But let me tell you, लेकिन आपको क्या चाहता हूँ? God is not in darkness, God is in light. परमेश्वर अंधकार में नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसकी रोशनी में है। Is God in the light? क्या परमेश्वर रोशनी में है? No, God is light. नहीं, परमेश्वर रोशनी है। So where is God, there is no darkness. तो जहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ पर कोई अंधकार नहीं है। Where there is light, there is no darkness. जहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर कोई अंधकार नहीं है। Bible says, बाइबल कहती है, the light came into this world, but darkness did not accept it.
जो रोशनी है वो जगत में आए लेकिन अंधकार ने इस रोशनी को स्वीकार नहीं किया. Because in the light, their work will be exposed. क्योंकि उस रोशनी के अंदर उनके जो कर्म है उनके जो कार्य है वो खुले किए जाएंगे. You know, the thief and all the wrong kind of people who do wrong things, they do it in the night. They close the light because in the light they'll be seen what they are doing. The certain thing we do it hidingly because that is wrong thing. जो चोर और गुनेगार होते हैं वो सारी बातें अपने सारे काम वो चोरी छुपे अंधकार में करते क्योंकि वो जानते कि उजाले में करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे. Very quickly we do hidingly. बहुत ही छुप कर सावधानी से हम छुप कर बातें करते हैं. Nobody knows. कि कोई देखेगा नहीं. But let me tell you. लेकिन मैं कहता हूँ आपसे. That where there is light, there is no darkness. कि जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर कोई अंधकार नहीं है. Many people do not accept the fullness of God's word. बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की पूर्णता को स्वीकार नहीं करते. We need to accept the fullness of God's word. वो नहीं स्वीकार करते उसकी वचन की पूर्णता को. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कह रहा हूँ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ कुछ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? So be careful. तो इसलिए सावधान रहें. Walk in the light. रोशनी में चलें. We are supposed to be walking in the light. हमने रोशनी में चलना है. No darkness. अंधकार में नहीं. Jesus said the prince of this world is coming. यीशु मसीह ने कहा कि जो जगत का राजकुमार है वो आ रहा है. But he has nothing in me. लेकिन उसका मेरे साथ कुछ ताल्लुक नहीं है. Check everything. सब कुछ ले लो. Check my mobile. आप मेरा मोबाइल चेक कर लो. Check my cupboard. मेरा कबर्ड चेक check कर लो. Check my pocket. मेरी जेब चेक कर check लो. Check my life. मेरा जीवन देख लो. Check my bank. मेरा बैंक देख लो. Nothing is in it. कुछ भी नहीं है उसके अंदर. That he can say is mine. कि अगर वो आकर ये कहे कि ये मेरा है. Everything belong to him. जो कुछ है वो केवल परमेश्वर का ही है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से कह रहा हूँ? That's what the church is called for. इसीलिए इस बात के लिए कलीसिया को बुलाया गया है कि कलीसिया इस बात में नाकामयाब होती समझने के लिए कि परमेश्वर की पूर्णता को church fails today. कलीसिया नाकामयाब हो जाती है इसको समझने. Jesus is telling them. अब यीशु मसीह यहाँ पर उनसे कह रहे हैं. I am the light. कि मैं वो रोशनी हूँ. God cannot be in darkness. परमेश्वर अंधकार में नहीं हो सकता. Don't seek him in darkness. उसको अंधकार में खोजने की कोशिश ना करें. The people who do जादू टोना. जो लोग जादू टोना करते हैं. बाइबल से बुक ऑफ डेटन में बाइबल कहते हैं कि अनुवाद के उस डोंट डू जादू टोना कि आप जादू टोना ना करें. डोंट डू ब्लैक मैजिक आप काला जादू ना करें. डोंट शो योर हैंड टू समबडी अपना हाथ किसी को दिखाइएगा ना. बाइबल से डोंट डू ऑल दिस थिंग्स बाइबल कहते हैं सारी बुरी बातें ना करें. देयर इज अ कर्स ऑन देम क्योंकि इन पर श्राप होते हैं. एंड आई हैव सीन विद माय लाइफ और मैंने अपने जीवन में अपने आंखों से देखा है. पीपल डेथ इज सो टेरिबल इफ यू आर लिविंग इन डार्कनेस अगर आप अंधकार में जीते हो. डोंट ब्लेम गॉड परमेश्वर पर दोष ना लगाओ. कम इनटू लाइट वेयर गॉड रिस्पांसिबिलिटी इज रोशनी में आ जाओ जहां पर परमेश्वर की जिम्मेदारी है. कम इनटू लाइट वेयर गॉड रिस्पांसिबिलिटी इज रोशनी में आ जाओ ताकि आप देख पाओ परमेश्वर की कहां जिम्मेदारी है. डोंट ब्लेम गॉड इफ यू गो आउटसाइड अगर आप बाहर जाते हो खुद से तो परमेश्वर पे दोष ना लगाओ. मेनी पीपल चर्च मेंबर्स बहुत सारे लोग कलीसिया के बहुत सारे हैं कम टू चर्च वो कलीसिया में आते तो है बट दे डोंट केयर द चर्च द फैमिली मेंबर्स आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग आउटसाइड लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि अपने घर के ही सदस्य बाहर जाकर बहुत सारी गलत बातें करते हैं. दे ड्रिंक दे फाइट दे डू ऑल द रॉन्ग थिंग वो दारू पीते झगड़ा करते बहुत सारी बुरी बातें करते. दे गो टू ऑल द विचक्राफ्ट वो सारे जादू टोने के काम करते हैं. एंड दे से दिस इज माय फैमिली नो प्लीज प्रे और वो कहते हैं ये मेरा परिवार है इनके लिए मेहरबानी करके प्रार्थना करें. प्लीज प्रे फॉर देम मेहरबानी करके प्रार्थना करें. बट दे विल नॉट ब्रिंग दे विल लिफ्ट देम हायर देन इवन द चर्च पीपल लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को लेकर नहीं आएंगे लेकिन अपने कलीसिया के लोगों से ज्यादा उनको ऊंचा उठाएंगे. व्हेन देयर फैमिली इज अटैक्ड और जब उनके परिवार के जनों पर हल्ला होता है. व्हेन द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस जब कोई दुर्घटना होती है. व्हेन समथिंग गोस रॉन्ग जब कुछ बुरा होता है. व्हेन फैमिली इज अटैक्ड जब उनके परिवार पर हल्ला होता है तो ये लोग आकर कहते हैं व्हाई लाइक दिस हैपेंड ऐसा क्यों हुआ. व्हाई लाइक दैट ऐसा क्यों हुआ. आई एम इन द चर्च मैं कलीसिया में तो हूं बट दे आर नॉट इन द चर्च लेकिन वो सारे लोग तो कलीसिया में नहीं है ना. इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी ये इनकी जिम्मेदारी है. गॉड इज नॉट रिस्पांसिबल परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है इनके लिए. गॉड्स वर्ड हैज लाइट परमेश्वर के वचन में जीवन है. गॉड्स वर्ड हैज लाइट परमेश्वर के वचन में जीवन है. आउटसाइड द गॉड्स वर्ड उसके वचन के बाहर इन डार्कनेस व्हाट हैपन अंधकार में जो भी होता है गॉड इज नॉट रिस्पांसिबल परमेश्वर उन बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है. डोंट प्रे दैट गॉड गिव एसी टू माय सन और माय डॉटर और माय मदर इन हेल परमेश्वर से ये प्रार्थना ना करें कि मेरे बेटे या बेटी के लिए जब वो नरक में जाएंगे तो उनके लिए परमेश्वर एसी देगा. God will not answer that prayer that put air condition in the hell. परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का उत्तर देगा नहीं जहां पर आप अपने बच्चों के लिए एयर कंडीशन मांगो नरक में. Hey, let me tell you. मैं आपको कहना चाहता हूँ. This church is real. ये कलीसिया सच्ची है. This pulpit is real. ये समाज is real. ये वचन सच्चा है. This pastor is real. ये पास्टर सच्चा है. It is not overnight coming wearing shirt and guitar and standing. It is God chose me from the mother's womb and he made me and kicked me and kicked me and kicked me. He said, "You go to bless my people." और ये एक रात का कार्य नहीं जहाँ पर मैं अगले दिन उठकर शर्ट पहन कर आया लेकिन परमेश्वर ने मेरे माँ के कोप में जब था तब से मुझे चुना और लाते बड़ी और परमेश्वर मुझे बनाया और इस काम के लिए खड़ा किया. From the age of 17, he kicked me out of the home and he started giving me experiences and he started building me. और 17 की उम्र से परमेश्वर मुझे अपने घर से बाहर निकाला और मुझे अनुभव के बाद अनुभव दिया और मुझे बनाते गया वो. There was a time I ate the leaves of the tree for my stomach. एक समय था जहाँ पर मैं पेड़ों के
पत्ते खाता था अपने पेट भरने के But लिए God says, I was with you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ Then why didn't you change? Because if you wouldn't have gone, you wouldn't have seek me. और लेकिन इसलिए क्योंकि अगर तू मैं तेरे साथ नहीं होता तो तू मुझे मेरी खोज नहीं करता I tell you today, मैं तुमसे आज to कहता हूँ stand on this church is not little bit of Bible study. It is not some computer. It is not something. It is God makes you and uses you for His glory. ये कलीसिया के लिए कुछ थोड़ा बाइबल स्टडी है कुछ थोड़ा सहभागिता नहीं लेकिन ये परमेश्वर की कलीसिया जहाँ पर परमेश्वर आपको बनाता है और आपका इस्तेमाल करता है Sometime I will tell you how God made me to stand on this pulpit. किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे बनाया ताकि मैं इस पुलपिट पर खड़ा रह पाऊं. Tell me if anybody is comparing with Pastor Joshua. और मजाल किसी की अगर कोई भी अपनी तुलना या किसी की तुलना पास्टर जोशुआ से करे No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों. This word is real. ये वचन सच है. God wants to keep you away from the darkness. परमेश्वर आपको अंधकार से दूर रखना चाहता है. He said, I am light and you walk in the light. और वो कहता कि मैं रोशनी और आप रोशनी में चलो. Any home I went. हर एक घर जब मैं गया जहां From that home blessing has followed. उस घर से आशीष बहने लगे. Those home blessing that turned from the darkness. वो घर में आशीष जो हर एक घर जो अंधकार से पलटा है. And they came into the light in Jesus. और वो यीशु मसीह के अंदर की उस रोशनी में जब आए. 18 years I struggled for my family members. 18 साल में अपने परिवार के लोगों के लिए संघर्ष में रहा. Day and night. दिन और रात. To bring them in the church. कि मैं उनको कलीसिया में ले आ पाऊं. To bring them in the light. कि मैं उनको रोशनी में ले आऊं. So they can see and they can be blessed. कि ताकि वो देख पाए वो खुद भी आशीषित हो पाए. God works in the light. परमेश्वर रोशनी में कार्यरत होता है. Don't blame God for your and my darkness. परमेश्वर पर दोष न लगाए हमारे और तुम्हारे अंधकार के लिए. Don't be proud. घमंडी ना बने. Nothing happens. कुछ नहीं होगा. I know so much. मैं सब जानता हूँ. I know more than God. बहुत ज्यादा है परमेश्वर के दास का. Remember that my friend. याद रखो मेरे दोस्त. Satan has no love for you. शैतान के पास आपके लिए कोई प्यार नहीं है. Satan love for you to be destroyed. शैतान का प्यार यही है कि वो आपका नाश करना चाहता है. God love for you to have the eternal and abundant life. लेकिन परमेश्वर का प्यार आपके लिए इसलिए कि वो आपको सार्वकालिक और आनंद जीवन देना चाहता है. Cried and said, I am the life. यीशु मसीह चिल्लाकर रोकर कहे कि मैं जीवन हूँ. Unless you accept me. और जब तक तुम मेरा स्वीकार नहीं करोगे. You will not come in the kingdom of God. तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाओगे. I am the light. मैं वो जीवन मैं I am the light. मैं वो रोशनी हूँ. He said, I am the light. उसने कहा कि मैं रोशनी हूँ. And they began to argue. और वो वहाँ पर बहस करने लगे. They began to struggle. वो वहाँ पर संघर्ष करने लगे. They began to talk all sorts of things. वो बहुत सारी दूसरी बातें करने लगे. In fact, not only that much. केवल उतना ही नहीं. Even to this blind man. कि अंधे व्यक्ति को भी. They started finding out some trouble for him. वो उसके लिए भी थोड़ी मुसीबत की बातें खड़ी करने लगे. They don't want to accept. कि उनको स्वीकार ही नहीं करना था. From the darkness. के अंधकार से. You know, Bible, you know, history says. इतिहास कहती है. When Jesus said. जब यीशु मसीह ने कहा. Oh, unto them. कि हाय उन पर. On those days. उन दिनों पर. The breastfeeding mother. कि जो दूध पिलाने वाली जो माँ है. And the pregnant woman और जो गर्भवती माँ है and the young man will be weeping on the streets और जो रास्ते पर जो युवा है वो रो पड़ेंगे after 70 years of Jesus dying this happened in Jerusalem कि यरूशलेम में 70 साल जब बीत गए यीशु मसीह के देहांत के बाद ये सारी बातें हुई why this thing happened ये क्यों हुआ there are people who say God has forsaken us लोग कहते हैं कुछ कि परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है God says परमेश्वर कहता है can a woman forget her sucking child क्या माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है Even she forget, I will never forget my own. ये ऐसा हो सकता कि वो भी भूल सकते लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी भूलूंगा नहीं How can God? God is not forsaken. You have forsaken God. परमेश्वर ने त्यागा नहीं लेकिन हमने परमेश्वर को त्यागा. You have rejected. आपने इनकार किया है. You have said, crucify him, crucify him. आपने कहा कि इसको क्रूसित करो. And you said. और आपने कहा. Even the Pilate says. पिलात ने भी कहा. That I have seen nothing wrong in him. मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता. He said, crucify. लेकिन आपने कहा इसको क्रूसित करो. Pilate said. पिलात ने कहा. His blood is not on me. कि आप उसके रक्त का जो दोष है वो मुझ पर नहीं है. But these people said. लेकिन ये लोगों ने कहा. It come on us and our generation. ये हम पर और हमारी पीढ़ी पर आया. His blood consequences. ये जो उसके लहू के बाद जो नतीजा होगा वो सब हम पर आया. You know my friend. मेरे दोस्तों. Crucified Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसित किया. But their blood became trouble to them. लेकिन वो लहू उनके लिए अब मुसीबत बन गया. Thank God their blood became forgiveness to us. धन्यवाद परमेश्वर का कि आज वो लहू हमारे लिए माफी का कार्य कर रहा है. Today here. वो आज उस लहू से वजह से हम आज आशीषित हैं. You know when you go to that history. जब हम इतिहास में देखते हैं. And what do you call this? Holocaust. इस होलोकास्ट को जब हम देखते हैं गो समटाइम एंड सी जाओ और देखो कभी उसको व्हेन गॉड चोजन पीपल अब्राहम जनरेशन कैन गो थ्रू दैट व्हाट वुड हैपन थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेस टुडे बिकॉज़ जीसस वर्ड ट्रुथ एंड ग्रेस कि परमेश्वर को धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी सच्चाई से आज हम यहां पर महफूज है लेकिन जो परमेश्वर जो इब्राहिम की चुनी हुई संतति उनको किन बातों से गुजरना पड़ा डोंट प्ले विद गॉड परमेश्वर के साथ कोई खिलवाड़ ना करे हिज लाइट
वो सच्चाई और रोशनी है। In that light you can see bless। उस रोशनी में आप देख सकते हो सारे आशीष को। You know, Obed said last week। Obed ने पिछले सप्ताह कहा। He said when the sun rises। उसने कहा कि जब सूर्य चढ़ जाता है। You can't see sun। तो आप सूर्य को नहीं देख पाते। But in your bedroom you can see light। लेकिन आप अपने बेडरूम में लाइट को देख सकते हो। You can see everything। आप रोशनी को रोशनी में सब कुछ देख सकते हो। Daytime you can see everything and you know there is sun। दिन में आप सब बातों को देख सकते हो। आप जानते हो कि सूरज है वहाँ। So when God comes in your life। तो इसलिए जब परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में जब आता है। You can't see God but you can see your eyes are open to see the truth and the world। आप परमेश्वर को तो नहीं देख सकते लेकिन परमेश्वर के वजह से आप सच्चाई को और वचन को और सारी बातों को देख सकते हो। I want you to remain in the light। मैं चाहता हूँ कि आप उस रोशनी में बने रहो। I want your children to remain in the light। आपके बच्चे उस रोशनी में बने रहे। I want you to know value of the light। आप जानो उस रोशनी की अहमियत। This darkness is not this darkness. This darkness is the world today, which is taking us away from it। ये रोशनी ऐसी कैसी रोशनी नहीं लेकिन वो रोशनी वो जगत की बातें हैं जो हमको यहाँ से छीन रही है। Jesus said, I am the light। यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोशनी हूँ। So let's accept Jesus। तो आओ हम यीशु मसीह को स्वीकार करें। Going out of His word is darkness। उसके वचन के बाहर जाना यानी कि अंधकार है। Coming into word is light। उसके वचन में आना यानी कि रोशनी है। When you are in the church, you are in the light। जब आप कलीसिया में हो तो आप रोशनी में हो। When you are front of the minister, you are in light। जब आप सेवक के सामने हो तो आप रोशनी के सामने हो। When you are worshiping, you are in the light। जब आप आराधना करते हो तो आप रोशनी में हो। When you are church people, you are in the light। जब आप कलीसिया के लोगों के साथ हो तो आप रोशनी में हो। You know, some people in the church can meet in the light and the same people outside the church can meet in darkness। कुछ लोग जो कलीसिया के अंदर जब होते हैं तो रोशनी में होते हैं। Darkness with the church people। आपकी जो सहभागिता लोगों के साथ जब कलीसिया में हो तो आपकी रोशनी में होती है। Are you listening? अब सुन रहे हैं मुझे। Hiding from pastor? पास्टर से कभी कभी छुप कर ऐसी होती बातें। Hiding from church? कलीसिया से छुप कर बातें होती है। Hiding from all these things? ये सारी बातों से छुप कर होती है चुच्ची से। That's a dangerous thing। ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। Don't ever you encourage this। कभी ऐसी बातों को आप बढ़ावा ना दे। Always know one thing। हमेशा एक बात को समझे। Have a fellowship in the light। कि जो भी संगति हो रोशनी में संगति हो आपकी। No matter what kind of it is। चाहे कैसी भी कोई बात हो। God bless you। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May you come in light। कि आप उस रोशनी में आ पाओ। Don't go outside the light। उस रोशनी के बाहर ना जाना। There is a blessing। वहाँ पर आशीष है आपके लिए। There is the protection। The Lord, which also I deliver unto you, the same night in which he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the new testament in my blood. This do ye, as often as you drink it, remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup of the Lord, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दिस टोकन, ये जो चिन्ह है, और ब्रेड एंड वाइन, रोटी और दाखरस के रूप में, इज नॉट फॉर कंडेमनेशन, ये किसी दोषपन के लिए नहीं है, बट इट इज फॉर ब्लेसिंग एंड हीलिंग, लेकिन ये आशीष और चंगाई के लिए है, एंड फॉर रिकंसिलिएशन, और ताकि हमारा फिर एक बार मिलाप हो। इफ वी डोंट बिलीव, अगर हम विश्वास नहीं रखते दैट जीसस हैज पेड द प्राइस फॉर अस, कि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है हमारे लिए, दैट जीसस डाइड फॉर अस, कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, कि उनके बैठे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है, जीसस हैज कम टू गिव अस लाइफ इटर्नल एंड अबंडेंट, कि यीशु मसीह बहुतायत का और अनंत जीवन देने आए हैं। इफ वी डोंट बिलीव एंड पार्टिसिपेट, अगर हम विश्वास ना रखकर इसमें हिस्सा नहीं ले पाते, दिस हैज नो इफेक्ट ऑन अस, तो इसका कोई असर नहीं होगा हम पर, बट विद बिलीविंग, लेकिन विश्वास रखकर, व्हेन यू पार्टिसिपेट, कि अगर हम इसमें हिस्सा ले, हैज अ कन्फेस गॉड हैज फॉरगिवन मी, कि जैसे हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, ही एक्सेप्टेड मी, उसने हमको स्वीकारा है, ही हैज गिवन मी वन मोर अपॉर्चुनिटी टू वॉक इन द लाइट, उसने हमको एक और अवसर मौका दिया कि हम उसके रोशनी में चले, एंड टू रिकंसाइल, और हम फिर एक बार मिलाप करें, ही इज लाइक मदर, वो एक माँ के समान है, ओपनिंग आर्म्स स्टैंडिंग फॉर अस, कि अपने बाहें खोलकर हमारा इंतजार करता है, ही इज देयर टू ब्लेस अस, वो है तैयार हमें आशीषित करने, व्हेन वी आर चैस्टनाइज्ड डोंट थिंक दैट इट इज यू नो it is condemnation for us, ki jab hame fatkar lagti to ye na soche ki ye hamare liye doshpan ki koi baat hai, it is god's love, lekin ye parmeshwar ka prem hi hai, so let us all participate, to aao hum isme shamil ho jaye, father we want to thank you for this bread and wine, pita dhanyawad dete prabhu is roti aur dakras ke liye, we ask you bless this bread and bless this wine, hum aapke aashish is roti aur dakras par mangte prabhu, let this bread and wine not bring condemnation, prabhu ye roti aur dakras koi dosh ka karya na kare, but forgiveness and healing, lekin shama aur changai prabhu, we ask you bless this lord, prabhu hum prarthna karte hain aapke aashish mangte with all the blessings, aur sare aashishon se prabhu aashishit karna, in jesus name, yeshu मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अब हम हिस्सा ले इसमें, यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। Father, I thank you in Jesus' name for every person who is here. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। We pray for all the church. हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। All the pastors and leaders. सारे जितने भी पासबान हैं, जितने भी अगुवाए हैं। All the Lord, the members. जितने भी सदस्य हैं प्रभु उनके लिए। From the pulpit to the gate. पुलपिट से लेकर प्रभु उस फाटक तक प्रभु। Even people who stand at the gate and protect and take. और प्रभु जितने लोग प्रभु उस फाटक पर खड़े हैं प्रभु हिफाजत के लिए और सुरक्षता के लिए प्रभु। All these people who are working. जितने भी लोग प्रभु कार्य में है काम करते हैं। They commit entire church at your feet. और प्रभु पूरी कलीसिया को प्रभु आपके चरण में सौंप And we ask for your blessing. और प्रभु आपके आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless all church, Lord. प्रभु पूरी कलीसिया पर आपका आशीष हो। Let you be glorified and magnified. कि प्रभु इस कलीसिया से प्रभु आपको सारी महिमा मिले। Lord, bless their going out and coming in. प्रभु उनका बाहर जाना और अंदर आना आशीषित हो। Forgive and forget all the shortcomings. प्रभु सारी खताओं के लिए प्रभु उनको माफ करना। Lord, you are not against them, you are for them. प्रभु तू उनके खिलाफ नहीं, प्रभु तू उनके लिए है खड़ा। Lord, I pray. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। Hold their hand. कि उनका हाथ पकड़ना। Walk with them. उनके साथ चलना प्रभु। In victory. और विजय में प्रभु In blessing, आशीष में प्रभु overcomer, प्रभु विजयवंत बोलकर and Lord we pray, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ abundant eternal life, और बहुतायत और सार्वकालिक जीवन commit all of them at your feet, और सबको प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं and ask for your riches, और प्रभु आपके धनवान रूपक आशीषों की मांग करते हैं in Jesus name, यीशु मसीह के नाम से, love of our heavenly father, अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, grace of our Lord Jesus, यीशु मसीह का अनुग्रह and fellowship of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की संगति be with us now, वो हमारे साथ अब बनी रहे and until Jesus और यीशु मसीह के आने तक आमेन आमेन God bless you.